वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो कि पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग मेनी सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर वेरियस इग्नू कोर्सेस। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग द असाइनमेंट फॉर द सब्जेक्ट कोड MEG 1, British poetry। Answer all the questions. Let's start from question number 1. Explain any two of the excerpts of poem given below with reference to their context. Let's start from the first part. Mai Liu is now awake out of her dreams, and her fairy eyes, like stars that dimmed were with darksome cloud, now shew their goodly beams more bright than Hesperus his head doth rear. Let's discuss the answer. These lines, ye given lines, li gayi hain from Edmund Spencer's The Epithalamion. Agar context ki baat karein, to ye lines mein poet celebrate karta hai his love for his beloved Elizabeth Boyle. इस स्टैंजा में पोएम एडहियर करती है टू द पोएटिक कन्वेंशन एंड ऑल्सो द पोस्ट टाइम वेडिंग सेलिब्रेशंस। द पोएम कैन बी डिविडेंट इनटू 5 मूवमेंट्स। इसमें 5 मूवमेंट्स कंपेयर किए गए हैं इन अ ड्रामेटिक एक्शन। पोएम ने डिस्क्राइब किया है अपने पर्पस को, द मेथड ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट को और प्रॉपर सेटिंग को ऑफ द इवेंट्स जो वहां पर हुए। इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है अपने बिलेवड की ब्यूटी को, एज शी वेक्स, जैसे वो मॉर्निंग में उठती है, गेट्स अडॉन एंड शी एंटर्स द टेम्पल और चर्च फॉर वेडिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई वंडर बाय माय ट्रॉथ व्हाट थू एंड आई डिड टिल वी लव्ड, वर वी नॉट विन टिल देन। लेट्स डिस्कस द आंसर। जो ऊपर दी गई लाइंस हैं, ये दी गई हैं बाय जॉन डॉन्स पोएम द गुड मॉरो। दिस इज द नेम ऑफ द पोएम। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये पोएम पब्लिश हुई इन डॉन्स 1633 कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट। इसको लिखा गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, ऑफ एन अवेकनिंग लवर, और ये डिस्क्राइब करता है एक प्रेमी के थॉट्स को, लवर्स थॉट, as he wakes next to his partner. To discuss more, ye opening lines hain poem ki jo upar stanza mein di gayi hain, inka reference kiya gaya hai to a Catholic legend. It also refers to the seven sleepers, the Catholic legend of seven Christian children. Ye kuch references hain. Decius, who fled to the shelter of a cave where they slept for more than 200 years, वो वहां 200 साल तक सोता रहा। डॉन, वन ऑफ द सिक्स और सेवन चिल्ड्रन, डॉन जो छठा या सातवें चिल्ड्रन में से एक था, अ बैप्टिस्ट कैथलिक ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटी कैथलिक सेटलमेंट फ्रॉम बोथ द पॉपुलेस एंड द गवर्नमेंट वुड सर्टेनली हैव बीन फेमिलियर विद द स्टोरी। सो दीज आर फ्यू रेफरेंसेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईलाइट द सैलियंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म with illustrations from the poems prescribed for study. Let's discuss the answer. Romanticism ki baat karein, to romanticism in poetry arouse karta hai enlightenment ke response ko, jo ideally prevail karta hai during the 18th century. Is poetry ki form emphasize karti hai emotions par rather than reasons, wajah par emphasize na karte hue emotions par zyada emphasize kiya gaya hai. William Wordsworth स्ट्रेंथन करते हैं रोमांटिसिज्म की मूवमेंट को एक पोइट्री के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेट कॉन्टेक्स्ट में। आयरॉनिकली हिज वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड, उन्होंने एक लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट किया विच वॉज मोर कोलैक्यूअल दैन द पोइटिक ग्रोइंग इंटरेस्ट इन फोकलोर वॉज वन ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ रोमांटिक पोइट्री बिकमिंग पॉपुलर। इमेजिनेशन की बात करें तो विलियम वर्डस्मिथ के हिसाब से पोएट्री पहले है एंड लास्ट ऑफ ऑल द नॉलेज। द फिनोमेना ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के बारे में मेन एसेंस रोमांटिक पोएट्री में रखा गया है।
इमोशंस के बारे में डिस्कस करें तो जब रोमांटिक पोइट्री की बात करी जाती है, रीजन और लॉजिक को ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता। द वन थिंग जो रूल करती है रोमांटिसिज्म को इज इमोशन, भावनाओं पे ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। रोमांटिक पोइट्री इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स, ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू लेट लूज वंस इमोशंस थ्रू वर्ड्स, शब्दों को इमोशंस के हिसाब से एक्सप्रेस करने का। नेचर की बात करें तो रोमांटिक पोएट कैन लेट लूज हिज इमेजिनेशन इंटरप्रेट करने में नेचुरल फिनोमेना को। पास्टोरल लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशंस को मेंशन किया जाता है फ्रीक्वेंटली इन अ रोमांटिक पोएट्री। सिंबोलिज्म, ये सिंबलाइज करता है एक्सप्रेस करने का, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सो मच इन सो लिटिल, कम शब्दों में ज्यादा बातों को एक्सप्रेस करने का। सिंबोलिज्म का यूज किया जाता है लिटरेचर में जो अलाउ करता है इन्फर या डेराइव करने में अलग अलग मीनिंग्स को एक सिंगल एक्सप्रेशन से। इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रोमांटिक पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स का। रिप्रेजेंटेशन करना एक हीरो को, एक पर्सन विद एक्सेप्शनल जीनियस, बहुत ज्यादा कॉमन अकरेंस देखी जाती है रोमांटिक पोएट्री में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट अ कंपैरिजन बिटवीन एपिथैलेमोइन एंड प्रोथैलेमोइन एज वेडिंग सॉन्ग्स, लेट्स डिस्कस द आंसर। दोनों टर्म्स के बीच कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन दोनों पोएम डिफर करती हैं अपनी अपनी थीम में। कुछ डिवाइसेस जो कॉमन है दोनों प्रोथैलेमोइन और एपिथैलेमोइन में, यूज किया गया है पास्टोरल सेटिंग में यूज ऑफ रिवर थेम्स, और दोनों कपलेट को एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा यूज किया गया है जो रिवर्क करते हैं टू रिफ्रेन एट द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट स्टैंजा। दोनों पोएम में पैजन गॉड्स को इन्वोक किया गया है कपल्स को ब्लेस करने में, और यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज टूवर्ड्स द एंड देखी गई है। प्रोथैलेमोइन में कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया वेडिंग को इलैबोरेट करने में या फेस्टिविटी को इलैबोरेट करने में जो वेडिंग के दौरान की जाती हैं, लेकिन फॉर द मैटर द वेडिंग नाइट एज द केस ऑफ एपिथैलेमोइन, एपिथैलेमोइन में इन सब चीजों पर एम्फसाइज किया गया है। दो द पोएम, पोएम का कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है क्लास से रिलेटेड, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है क्लासिक लेजेंड्स के डिफरेंट फ्यूजन से एंड मिथ्स फ्रॉम क्रिश्चियन आइडियाज एंड लोकल फोकलर, इस तरीके से एसेंशियली रिटेन किया गया है रिफॉर्मिस्ट क्रिश्चियन सेंसिबिलिटी को। एक डाउट है, स्पेंसर बहुत ज्यादा न्यूली डेवलप्ड रिफॉर्मिस्ट से बहुत मूव था और उसने इन चीजों को ऑफन अपनी पोएम्स में यूज किया गया है। कुछ लाइंस जैसे कि व्हेन आई वॉर्म सलेन केयर थ्रू डिसकंटेंट ऑफ माय लॉन्ग फ्रूटलेस स्टे इन प्रिंसेस कोर्ट द एक्सपेक्टेशन व्हेन ऑफ आइडल होप्स विच स्टिल डो फ्लाई अवे लाइक एम्प्टी शैडो डिड एफ्लिक्ट माय ब्रेन वॉक फॉर टू ईज माय पेन। इन लाइंस को कंसिडर नहीं किया जा सकता एज अप्रोप्रिएट ओपनिंग फॉर व्हाट इज टू बी अ वेडिंग सॉन्ग, एक वेडिंग सॉन्ग के तरीके से ये लाइन्स लिखी गई थी इन द ऑनर ऑफ हिज पैट्रन्स फ्रेंड। The anger that Spencer must have felt on the whole system, patronage के पूरे system पर Spencer को जो गुस्सा आया उसने इस lines के through express किया, which was considered as extremely important, ये बहुत ज़्यादा important था in the survival of Elizabethan court. Same sense की repetition देखी गई है of unhappiness जो arise होती है unsatisfactory career से can be seen again in stanza 8. सेम टाइम पर स्पेंसर ने ड्रॉ किया इस आइडिया को ऑफ द यूनिवर्सल एंड टेम्पोरल बाय इंड्यूसिंग द आइडिया ऑफ डिवाइन एंड ट्रांसेंडेंटल लव विद द लव विद ईडली इज सेंसेंशियल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू एग्री दैट मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन ब्लाइंड लाइंस इन सोनेट 19 एंड 23, गिव अ रीजनड आंसर, लेट्स डिस्कस द आंसर। दोनों ही सोनेट डील करते हैं मिल्टन्स ब्लाइंडनेस के थीम पर, लेकिन बट द वे द थीम हैज बीन ट्रीटेड, जिस तरीके से इस थीम को ट्रीट किया गया है दोनों ही पोएम्स में, ये एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। सोनेट 19 की बात करें तो ब्लाइंडनेस रिप्रेजेंट करता है पोएट के ब्लाइंडनेस को ऑफ पर्पस इन हिज लाइफ, ये सजेस्ट करता है कि क्योंकि पोएट इज अनेबल टू प्रैक्टिस हिज क्राफ्ट, वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन बाद में पोएट ने कंसोलेशन फाइंड किया फ्रॉम ह्यूमिलिटी और फोकस किया अपनी अटेंशन को
अपनी पोइट्री के पर्पस पे, विच इज नॉट जस्ट द प्रैक्टिस और शो ऑफ ऑफ हिज टैलेंट, ये सिर्फ उसके टैलेंट का प्रदर्शन नहीं है, लेकिन ऐसा जो कि भगवान के लिए किया गया है एज हिज सर्विस. द सोनेट फ्रॉम इज मोर इफेक्टिवली इम्प्लॉयड, सोनेट 19 में ज्यादा इम्प्लॉयड किया गया है इफेक्टिवली. सोनेट 23 बहुत ज्यादा इक्यू वोकल है और सम वट इग्नी मैचेंट है अपनी इंटरप्रिटेशन में. इस सब्जेक्ट का पोएम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है. कुछ क्रिटिक्स सजेस्ट करते हैं द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ मैरी पोविल, और कुछ आर्ग्यू करते हैं कि ये उसकी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडवॉक के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है. मिल्टन बहुत ज्यादा ईगर था अपनी एज को लेकर और अपने पर्सनल अट्रैक्टिवनेस को लेकर, एंड एट द वेरी सेम टाइम वो बहुत ज्यादा एंशियस था वोकेशनल बिलेटेडनेस को लेकर. As such, it is presumed that Sonnet 19 or 23 composed ki gayi approximately during 1652. One talent which is death to hide, lost with me, useless, to my soul more bent to serve there with my maker and present my true account. Milton ne possess kiya is theme ko humility ki consolation se aur draw ki apni attention ko for the cause of poetic form. इस रिमार्केबल पॉइंट पर मिल्टन ने इम्प्लीमेंट किया प्रुडेंसी को इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड कैटेगराइज सोनेट एज रिलीजियस वंस, अपनी सोनेट को रिलीजियस धार्मिक तरीके से पेश किया. द सोनेट 19 बहुत ज्यादा क्लियर है रिलीजियस टर्म्स में इन कंपैरिजन टू सोनेट 23. द मेटाफिजिकल एलिमेंट कम्युनिकेट करता है नोशंस ऑफ रियलिटी एंड विजन. इसका सोनेट 19 की राइमिंग स्कीम है सी डी ई सी डी ई, जो एनलार्ज है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू कंसिडर सिल्विया प्लाथ्स डैडी टू बी एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट द वॉइस ऑफ पैट्रियार्की, कॉमेंट क्रिटिकली. लेट्स डिस्कस द आंसर. डैडी एक ऐसी पोयम है जो डील करती है दो कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेन्स को विद इन अ गर्ल विच मैरी एंड पैरालाइज ईच अदर. साइकोलॉजिकल हेरिडिटी टेंशंस को, क्योंकि गर्ल के मिक्स्ड पेरेंटल बैकग्राउंड पार्टली नाजी और पार्टली ज्यूइश के कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं. लेजी लजार्डियस इज द पोयम ऑफ प्लाथ. ये प्लाथ द्वारा लिखी गई पोयम है जिसमें वो स्पीक करती है, बताती है अपने प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स को. प्लाथ एडमिट करता है ऑफ स्नैरिंग हिज पैशन विद हर फ्रेंड एने सेक्सटन, हु इन टर्न इज इमोर्टलाइज इन हिज फेमस पोयम वॉन्टिंग टू डाई. पोयम में प्लाथ ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लिखा है बट हैज बीन गिवन वाइडर एप्लीकेबिलिटी. इस टाइम वो इन्वोक हुई फ्रॉम इजिप्शियन मिथ द फीनिक्स, जो पीरियोडिकली डिस्ट्रॉय करती है खुद को एंड देन इज रीबॉर्न फ्रॉम द एशेस. एशेस राख से उसका जन्म दोबारा होता है, गिविंग इट एन एस्थेटिक सेंस. अगेन प्राइवेट सफरिंग को इक्वेट किया गया है विद द इवेंट्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंट, द सफरिंग ऑफ जूस. इट गिव्स अ बिट ऑफ यूनिवर्सलिटी. कॉमनैलिटी के बिटवीन बात करें डैडी और कॉलक्सस के, तो ये अंडरलाइन थीम है बॉन्डेज और स्लेवरी की, जो दोनों में ही कॉमन है. एक वुमेन प्ले करती है सबसर्वियंट रोल एक्सप्रेस करते हुए रिसेंटमेंट को अगेंस्ट द पैट्रियार्कल अथॉरिटी, जो कि रिप्रेजेंट की गई बाय फादर एंड हस्बैंड. डैडी पोयम में वो रेफर करती है हर फादर एज अ गॉड लाइक फिगर, अपने फादर को भगवान के तरीके से. शी डजंट गिव हिम इनफ क्रेडिट टू बी गॉड, वो उन्हें ज्यादा परमात्मा जैसा क्रेडिट नहीं देती, बट इज कंपोज्ड ऑफ फेसेस विच वन एसोसिएट्स विद गॉड. उसके वर्ड्स बहुत ज्यादा मॉकरी से भरे हुए हैं. कॉलिसस पोयम में वो डील करती है थीम ऑफ लॉस्ट फादर को. द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस थीम बहुत ज्यादा ट्रेस्ड है ऑफ हिज अर्लियर पोयम्स. अपने पहले की पोएम्स में प्लाथ ने शो किया नोस्टैल्जिया अपने लॉस्ट फादर को लेकर और रिसेंट किया पेरेंट लॉस सिचुएशन को, लेकिन बाद की पोएम में वो डिपिक्ट करती है अपने फादर को एज अ सिंबल ऑफ पैट्रियार्कल वॉयलेंस एज एविडेंट इन हर पोएम डैडी. असाइनमेंट एंड एसे और इग्नोसॉल्ड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignowala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50+15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इग्नू,
Please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.